हाय गाइस, सो हम लोग वैसे बैंगलोर में है, वैसे आज सेकंड डे है बट मैंने कल व्लॉग नहीं किया था, तो अभी मैं जस्ट रेडी हुई हूँ, नीचे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग को, क्योंकि मेन्यू के लिए लेट हो रहा है। आई डोंट नो मुझे ब्रेकफास्ट करने मिलेगा अभी या नहीं, बट लेट्स सी, आई होप मिल जाए, क्योंकि वरना खाने का बहुत बीटी होता है उधर और भूख भी लग रही है। अभी एनर्जी ऐसा लो लग रही होगी बट आई होप ब्रेकफास्ट मिल जाए, फिर तो फुल एनर्जी आ जाएगी मुझ में। तो लिफ्ट पे आ गई गाइस, सो आई एम हेयर फॉर ब्रेकफास्ट, और तो कोई दिख नहीं रहा, आई थिंक सब लोग कर गए हैं, मैं भी फटफट ले लेती हूँ इससे पहले मुझे बुला लिया जाए। सो ये ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ मैं, सब कुछ जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कुछ समझ नहीं आ रहा था बट एनीवे टाइम नहीं है तो ठीक है जो भी मिला। गाइस हम लोग आ गए हैं इधर, सी विंग्स भी है। हेलो, बोर्ड में है अपन, बोर्ड में वो तो हमेशा ही। आप ऑपोजिट में काहे हो? कल इसके बारे में सब पूछ रहे थे, आज आया है इसलिए, कल मैंने व्लॉग भी नहीं किया। हाय सिड भाई, कल पूरा दिन मिस किया है। क्यों? कल कुछ ज्यादा नींद आ रही थी उसको, बीमार था थोड़ा। हाँ बीमार हो गया था। गाइस वेन्यू देखे, अमेजिंग, ये कल मैंने देखा नहीं था। अरे ट्रॉफी नहीं है, नहीं कल थी, हाँ बहुत मस्त लग रहा था। आई थिंक उठा के ले जाएंगे इसलिए हटाया। एक टूर्नामेंट हुआ था बांग्लादेश में, हाँ बेसिकली फाइनल के बाद जो टीम जीती, जो टीम हारी वो टीम जीत रही थी, जो जीती वो जो नाच रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ तो नेम है टीम का। हारने वाली टीम सीधा ट्रॉफी छीनती है, गाड़ी की टिकट में डालती है, ड्राइव ऑफ भाई साहब। बांग्लादेश का न्यूज़ है, ट्रॉफी भी सेफ नहीं है गाइस, अभी तो पूरा खाली है, बट आज संडे, आई एम होपिंग कल से ज्यादा लोग आएंगे, बाकी देखते हैं। मुझे फ्लिप करने में इतना टाइम लग जाता है, तब तक पूरा वो मिस हो जाता है टाइमिंग। अपना गाना ब्रेक कर लिया है लेकिन शेरलॉक स्टार्टिंग के दो किल्स दिखा ले एंड नाउ शी हैज द चांस टू क्लच। पैराना हिट्स अ स्क्वायर इन द फेस, लेकिन मिली अभी भी टेलीपोर्ट प्लेस करने की कोशिश कर रही थी, बट यू कांट आउट प्ले अनदर रोमन मेन। जैसे ही उनको साउंड आया उनके टेलीपोर्ट का, वो खुद चौंक गई थी, आप उनके चेहरे पे देख सकते हो। शेरलॉक जॉर्ड एक बार तो बनता है, दिक्कत हो सकती है शेरलॉक एक और फ्रैग निकालती, फिर दोबारा 1-2 दे रहा है दोनों भी खिलाड़ी। पोजीशन चेक करते हुए नाइस शॉट शेरलॉक, स्पाइक रिट्रीव किया, शायद बी के तरफ जा रही है। ओह माय गुडनेस, शेरलॉक का नाम चेंज करके क्लच मशीन रख देना चाहिए यहाँ पे। एग्जैक्टली, हाई बॉल वंस अगेन सीटी की तरफ का, काफी ज्यादा फास्ट वॉक इन किया अल्फा क्लैशर ने, लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो जानते हैं कि वो कहाँ पे रहने वाली है, बट वो साइड के अंदर टीपी कर जाने वाली है ना, दिस वुड बी सो रिस्की। शेरलॉक वर्सेस मिली, कौन टॉप पे आता है ये अभी भी एक क्वेश्चन है। शेरलॉक थोड़ा सा फाइट अवॉइड करते हुए ट्राई करेगी उनसे दूर जाए, बट शेरलॉक यार क्या खा कर आई है आज ये खाने में, या फिर शायद कुछ ही खा के नहीं आई और अपने अपोनेंट्स को खा रही है ये गेम के अंदर। बट बहुत मन था अभी लूजर टीम से मिलवाऊंगी, वो लोग अभी आए नहीं है, लगता है सदमे में रह गया, थोड़ा टाइम लग गया स्टेज से आने में। So I'm pretty confident it's gonna be easy for us. हार के कैसा लग रहा है बिंग्स? बहुत दर्द। मैंने कैसा खेला? तुमने तो बहुत ही अच्छा खेला। मेरे लिए दो जो एमवीपी थे ना, एक तू थी और एक अल्फा था। भाई अल्फा तो अच्छा खेल रहा था, हमें लगा उसको नहीं आता। बहुत अच्छा खेला, इतना कॉल सुना ना। गाइस रेडिएंट ने तारीफ कर दी बस। गाइस जीत चुकी है फॉर
मेरी जिंक्स पावर एज ऑलवेज काम की है. ये मैंने मेरी जिंक्स पावर यूज की है. मेरे स्ट्रीम पे ऐसी नट करके जीता. ये तुम किसको सपोर्ट कर रहे थे? मी एवरीथिंग. या फिर ठीक है, लेट्स गो. ये लोग अभी इधर बैठे हैं. आई डोंट नो गाइस वैसे कर क्या रहे हैं. गाइस क्या बोले अभी, क्या हमें फोटो मिलेगा? मुझे नहीं लग रहा मिलेगा. गाइस सब मेरे ब्लॉग को बाय बोल दो.